सच्चे अर्थों में स्वयंभू है, जिसने स्वयं का ही स्वयं निर्माण किया है। ये नहीं मानते कि हम साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो ये साइबर वॉर होगी, विल नॉट बी अ यूज्ड विद अ वेपन, तो वेपन हमारा एक कंप्यूटर रहेगा। और उनके नाम की गूंज सुनाई देती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक। देश ने मुझे जन्म दिया है, ये मेरा फर्ज है देश को वापस देने का, देश से लेने का। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन द फॉर्मल एजुकेशन, राइट? सो एजुकेशन मीन्स अ नॉलेज, सो वट एवर यू आर डूइंग, सो यू मस्ट होल्ड दैट नॉलेज, राइट? सो यू मस्ट होल्ड दैट एजुकेशन। सो इफ यू आर डूइंग, यू आर एंटरप्रेन्योर, सो यू मस्ट हैव एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, राइट? दैट्स कॉल्ड एन एजुकेशन। सो एजुकेशन डजंट मीन दैट यू आर गोइंग स्कूल गोइंग केड, और यू आर गोइंग टू द Harvard University and you're learning the management and you're working as a manager in some American bank. So that doesn't mean that my perspective, education means the knowledge. So whatever knowledge you gain, so you can utilize it into your ways. Yeah, you can bring your cake here. Doesn't matter. So this is the certificate that has been made by some thinkers here, and I'll read it for you. To the star registers certificate. This certificate proves that the star name Trishneet Arora, with coordinates as given, was registered in the database of star registers. So, just like this shining star, you have always guided our path. एक होता थोड़ा सा लगा हुआ, एक थोड़ा सा कीड़ा लगा होता है। सॉरी तिवारी जी, ये थोड़े गले हुए हैं, मैं थोड़ा सड़ा हुआ हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश वाले हैं, जिनका थोड़ी थोड़ी देर में एक्सपायरी खत्म हो रहा है, इनका भी खत्म हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। आप लोग दी यंग गन्स ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप लोगों में से कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा तो कोई बहुत ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई सोशल वर्कर बनेगा, कोई बहुत ग्रेट एजुकेशनिस्ट बनेगा। सो यू आर द रियल यंग गन्स ऑफ इंडिया, ऑफ आर नेशन, हु गोना मेक आर कंट्री प्राउड इन फ्यूचर। स्टिल यू आर ऑलरेडी प्राउड बिकॉज वी आर नोन एज यंग कंट्री एंड कंट्री ऑफ यंगस्टर्स।